वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाउ आर यू ऑल? और जी हाँ, आज मैं हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा लुक है और उसके साथ साथ एक रिव्यू है। जी हाँ, आज मैं जो है वो बात करूँगी कलर एक्सप्रेस प्रोफेशनल ब्रशेस के सेट की। और जी हाँ, पहले मैंने कलर एक्सप्रेस पे एक डिटेल ट्यूटोरियल किया था उसकी सारी प्रोडक्ट्स का, और जिसे काफ़ी सारे लोगों ने बहुत लाइक किया था। और अब इस वजह से मैं दोबारा गई और मैंने पूछा श्वेव कॉस्मेटिक्स पर कि भाई इनके ब्रश सेट अवेलेबल हैं या नहीं मुझे, क्योंकि क्ल्यू तो उन्होंने उस वक्त दिया था बट अवेलेबल नहीं था। तो मैं गई और फिर मैंने ये ब्रश सेट लिया है एंड यू कैन सी दिस इज़ इन माई हैंड। और मैं समझती हूँ कि बहुत 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 बजट फ्रेंडली है, बिकॉज इसमें आपको दोनों ब्रशेस इंक्लूड हैं, फेस प्रीमियम ब्रशेस भी और आई प्रीमियम ब्रशेस भी। और ये है ओनली फॉर 3500 रुपीज़। एंड आप सबको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि अच्छा खासा बजट फ्रेंडली है, क्योंकि हम अननोन ब्रांड्स के ही जो है वो काफ़ी सारे ब्रशेस ले रहे होते हैं और 1000 ईच करके हम उनको ख़रीद रहे होते हैं और वो कितने हमें कॉस्टली पड़ते हैं। बट अगर आपको एक प्रोफेशनल सेट इस तरह से मिल जाता है तो उसमें क्या बुराई है। मैं आपको दिखा देती हूँ, दिस इज़ लाइक दिस, ये इनके पूरे फेस प्रीमियम ब्रशेस हैं, ठीक है, यहाँ 6 है, ये इनके पूरे आई प्रीमियम ब्रशेस हैं और यहाँ पर ये कितने हैं, 8, ठीक है जी। और उसके बाद फिर ये ऐसे खुलता है, फिर से ये जो है आपके आई ब्रशेस आ जाते हैं और यहाँ पर बाकी के आपके फेस प्रीमियम ब्रशेस। तो इस तरह से बहुत ज़बरदस्त सा किट है और आज मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ और बहुत ज़बरदस्त सा लुक क्रिएट करने वाली हूँ। तो जी हाँ, स्टे ट्यून्ड, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं फेस की, तो उसके लिए मैंने यूज़ किया है कलर एक्सप्रेस का अपना फेस प्राइमर और उससे मैंने अच्छे तरीके से अपने फेस को प्राइम किया था। और सबसे पहले मैंने प्राइमर लगाया क्योंकि सिलिकॉन बेस या इस तरह से जो जेल बेस्ड प्राइमर होते हैं थोड़ा से अच्छे से सेट हो जाते हैं अगर इनको 5-10 मिनट छोड़ दिया जाए। तो मैंने सबसे पहले जो है वो अपना प्राइमर अप्लाई कर लिया था और मैंने आईब्रोज भी उसके बाद बनाई हैं। और आज की वीडियो में मैं तमाम ब्रशेस जो है वो आपको कलर एक्सप्रेस के ही यूज़ करके दिखाऊंगी। तो मैंने इनका सबसे पहले ये कट वाला ब्रश लिया है जिससे मैं अपनी ब्रोज बना सकती हूँ ईजिली। अच्छा, मैंने इनको अब तक यूज़ नहीं किया है तो अब यूज़ के दौरान ये सारी जो भी मैं प्रोडक्ट्स लगा रही हूँ इन ब्रशेज से, इनके रिजल्ट आपके सामने आएंगे कि ये कैसे अप्लाई हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी स्मूथली जल्दी से मेरी आईब्रोज जो है वो बन गई हैं और बहुत अच्छा था ये ब्रश। यस, तो दोनों आईब्रोज मेरी कंप्लीट हो गई हैं। उसके बाद मैंने यूज़ किया है मिस रोज का कंसीलर अपनी आई लिड को और अपनी आईज वगैरह को अच्छे तरीके से सेट करने के लिए। और इस तरह से मैंने इसको अपनी आईब्रो के ऊपर और अपनी लिड वगैरह पर आईब्रो के नीचे बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई किया और ताकि मेरी जो आईब्रोज हैं वो बहुत अच्छे तरीके से शेप में आ जाए। तो आईब्रोज बनाने के बाद मैंने ये स्टेप करा और फिर इसका एक फ्लैट ब्रश लेके फिर कलर एक्सप्रेस का ये फ्लैट ब्रश लेके मैंने इसे अच्छे तरीके से अपने कंसीलर को किया अपनी आई लिड पर सेट इस तरह से आईज के नीचे। और ये बहुत जल्दी स्मूथली से मेरे सारे कंसीलर को सेट कर दिया था और आपको वैसे ही पता है कि मिस रोज का कंसीलर तो कितना ज़बरदस्त है। अच्छा, अब बारी थी आईज को सेट करने की, तो मैंने उसके लिए वही क्रिस्टीन का लूज पाउडर लिया है शेड बेज में। और अब मैंने थोड़ा सा फ्लफी ब्रश जो है मुझे अपनी आईज के हिसाब से लगा था कलर एक्सप्रेस का ये ब्रश लिया है और इससे जो है वो अपनी आई लिड को अच्छे तरीके से कंसील किया है। और थोड़ा सा मैंने पाउडर ऊपर भी अप्लाई कर लिया था, मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा सेट हो जाए कंसीलर, इसलिए मैंने आईब्रो के ऊपर भी इस तरह से आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा पाउडर जो है वो अप्लाई कर लिया था। ओके जी, तो ये हो गया कंप्लीट। और उसके बाद बारी थी अब हमारी आईज की, और सोफिया एस्ले का ये पैलेट मेरा मोस्ट 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 फेवरेट चल रहा है और आपको पता ही है यार किसके कितने ज़बरदस्त कलर्स हैं। तो मैंने आज की भी वीडियो में यही सेलेक्ट किया और इस तरह से मैंने इसमें से सबसे पहले लिया है ऑरेंज शेड। और मैं आपको बता दूं कि जो शर्ट मैं पहन रखी है इन तमाम कलर्स को मैं अप्लाई करने वाली हूं अपनी आईज पर। तो इस तरह से मैंने सबसे पहले ऑरेंज कलर लिया और उसको अपनी क्रीज से भी ऊपर यानी कि ज़्यादा थोड़ी ज़्यादा एरिया कवर किया है आज की आईज में मैंने, मतलब आज की आई मेकअप में इस तरह से। उसके बाद बारी थी पिंक कलर की, तो मैंने पिंक कलर लिया। अच्छा, इसी साइड पर दो पिंक कलर्स हैं, मैंने पहले ये वाला पिंक कलर और फिर दूसरा वाला दोनों ही पिक किए थे। तो इस तरह से मैंने उनको एग्जैक्ट अपनी क्रीज पर अप्लाई किया है एंड यू कैन सी दिस इज द सेकंड पिंक कलर। और ये दोनों पिंक कलर जो है वो मैंने अप्लाई किए थे और एग्जैक्ट अपनी क्रीज के ऊपर यानी ऑरेंज कलर से थोड़ा नीचे इनको अप्लाई किया था ताकि ये बहुत प्यारा सा डबल शेड क्रिएट हो जाए यानी ऑरेंज ऑरेंज के बाद फिर पिंक की लेयर एक हमारे पास आ जाए। इस तरह से मैंने थोड़े लेस फ्लफी यानी फ्लैट फ्लफी ब्रश से जो है वो
अपनी क्रीज के ऊपर ये पिंक कलर अप्लाई किया था इस तरह से दोनों आईज पर। अब आपकी मर्जी, आपको जितना डीप चाहिए हो, जितना भी मतलब के करना हो आप उतना कलर बिल्ड कर सकते हैं। मुझे ऑरेंज थोड़ा सा और चाहिए था तो मैंने दोबारा थोड़ा सा ऑरेंज कलर लेके जो है वो पिंक के ऊपर अप्लाई किया ताकि ये अच्छे सा डीप हो जाए। उसके बाद बारी थी लिड के ऊपर अप्लाई करने की कलर, तो लिड के ऊपर मुझे बहुत अच्छा सा और बोल्ड सा कलर अप्लाई करना था, लेकिन मुझे एग्जैक्ट वो जो है मतलब थ्री लेयर्स चाहिए थी। सबसे पहले एक ऑरेंज की, फिर एक पिंक की, और उसके बाद जो मैं कलर अप्लाई करने जा रही हूँ उसकी। तो उसके लिए फिर मैंने यही मिस रोज का कंसीलर यूज़ किया और उसके बाद फिर वही फ्लैट ब्रश लेके सेट कर लिया। अब बारी है हमारे पर्पल, डीप पर्पल शेड की। जी हाँ, तो फिर मैंने उसको लिया और इस ब्रश से मैंने उसको अप्लाई किया एंड यू कैन सी कितना अच्छे से अप्लाई हो गया, ज़बरदस्त तरीके से। और वाकई में मैं बड़ी हैरान थी क्योंकि यूजुअली जो हमारे थोड़े ग्लिटरी शेड होते हैं ना वो इतने अच्छे स्मूथली जो है वो अप्लाई नहीं हो पाते। लेकिन पहली बात तो ये कि ब्रश बड़ा ज़बरदस्त था, दूसरी बात ये कि शेड ही बहुत ऑसम है। तो ये सारे ये जो आई शेड्स हैं ये भी बड़े प्यारे हैं, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा बन गया था और ये बहुत अच्छे से अप्लाई हुआ, यू कैन सी द रिजल्ट्स। तो उसके बाद मैंने ये मेबेलिन की काजल पेंसिल अपनी ली थी और उसको सिर्फ आंखों के अंदर ही थोड़ा सा फिल किया था इस तरह। उसके बाद मैंने लिया था ये स्काई ब्लू शेड और ये भी ग्लिटरी या शिमरी जिसे कह सकते हैं वो था। और उसके बाद मैंने इसको लेकर अपनी इस तरह से अंडर आईज, सॉरी अंडर आईज नहीं, आईज के कॉर्नर्स पर लगाया था इस तरह से। उसके बाद मैंने आज भी दो फाउंडेशन जो है वो मिलाकर लगाए थे, अपना मिलानी का कंसील प्लस परफेक्ट, सॉरी कंसील प्लस फाउंडेशन, यानी टू इन वन फाउंडेशन जो है ये अप्लाई किया था, यानी टू पम्प्स इसके लिए थे और इसके अलावा टू पम्प्स ही तकरीबन मैंने ये कलर एक्सप्रेस की बीबी क्रीम के लिए थे, बिकॉज ये बीबी क्रीम बहुत ज़बरदस्त है, इसका बिल्कुल फाउंडेशन से मुकाबला है। और इस तरह से मैंने इनको दोनों को मिक्स किया था कलर एक्सप्रेस के ही फ्लैट फाउंडेशन ब्रश से, और उसके बाद मैंने दोनों को अच्छे तरीके से मिक्स कर अपने फेस पर अप्लाई किया था और फिर ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इसको और अच्छे से स्मूथली अप्लाई किया था, यू कैन सी। और उसके बाद मैंने क्रिस्टीन का ये केक लाइनर लिया था और ये तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। और फिर मैंने ये लाइनर ब्रश लिया था, उसके बाद मैंने इस तरह से अपनी आईज पर अप्लाई किया था लाइनर, और ये लुक ऑलरेडी डीप था इसलिए मैंने लैशेस भी बहुत एवरेज से लगाई थी ताकि मेरे सारे कलर्स बहुत अच्छे तरीके से प्रोमिनेंट हो सकें। और मैंने लाइनर भी बहुत अच्छा सा विंग लगाया था लेकिन थोड़ा बारीक लगाया था ताकि ऑल द शेड्स आर सो 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 गुड, तो बस इसलिए मैंने जो है वो अपना लाइनर भी थोड़ा हल्का रखा था। उसके बाद मैंने थोड़ा सा ब्राउनजी शेड लिया था अपनी क्रिस्टीन के कॉन्टोर पैलेट से और थोड़ा सा ब्राउनजी शेड जो है वो मैंने अपने फोरहेड पर अप्लाई किया था एंड यू कैन सी मैंने बहुत कॉन्टोर नहीं किया था इसको, मगर मैंने थोड़ा सा ब्राउनजी शेड जो है वो अप्लाई किया था, ब्राउनजी। और उसके बाद मैंने फिर अपनी कॉन्टोरिंग की थी। अच्छा, कॉन्टोरिंग के लिए मैंने अपने ब्राउन कॉन्टोर कलर ही सेलेक्ट किया था, ब्राउनजी शेड नहीं लिया था। तो उसके बाद मैंने इस तरह से की थी अपनी कॉन्टोरिंग चीक से थोड़ी नीचे, बिकॉज मेरा फेस जो है वो थोड़ा सा ब्रॉड है, आप ना चाहे ना करें, इट्स टोटली ऑप्शनल। और फिर मैंने इस तरह से इसको किया था कॉन्टोर, और फिर कॉन्टोरिंग के बाद मैंने थोड़ी सी नोज कॉन्टोरिंग भी की थी, और आपको पता है कि मुझे थोड़े से अच्छे डीप या बोल्ड लुक्स के साथ कॉन्टोरिंग अच्छी लगती है। तो उसके बाद मैंने इसका फिर से वही फ्लैट ब्रश लिया था क्योंकि मुझे फ्लैट ब्रश से बहुत अच्छा लगता है, इजीली लाइन बन जाती है, ठीक है। तो आपने आईब्रोज के किस सीध में बिल्कुल इस तरह से लाइन बनानी है तो आपकी बहुत अच्छी सी कॉन्टोरिंग हो जाएगी नोज की इस तरह से। फिर उसको थोड़ा सा फिंगर से मैंने ब्लेंड कर लिया था ताकि वो ऑड ना लगे इस तरह से। उसके बाद बारी थी हमारे हाइलाइटर, पहले मैंने ब्लश यूज किया था, ठीक है। तो ब्लश के लिए बहुत ही बड़ा सा ब्रश था और आपको पता है मेरे चीक्स इतने भी मोटे नहीं हैं, बट इनका ये थोड़ा सा बड़ा ब्रश था तो मैंने इसी से ही अपना सिवाना का ये पिंक कलर का आइस क्वीन शेड में जो है वो ब्लश अप्लाई किया था अपने चीक्स पर, बहुत अच्छा सा नेचुरल सा। उसके बाद मैंने ये मॉर्फी का लिया था हाइलाइटर पैलेट, इसका नाम है बेब्स इन पैराडाइज। जी हाँ, तो सारी प्रोडक्ट्स की डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से देख लीजिएगा। तो मैंने इसका ये वाला शेड सेलेक्ट किया था और इसको अप्लाई किया था अच्छे तरीके से अपनी चीक बोन के ऊपर, और इस तरह से ये सबसे ज़बरदस्त बात ये थी कि हाइलाइटर बहुत 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 नेचुरल थे और इसलिए मैंने इसको अप्लाई किया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि ये सिर्फ ग्लो दे रहे थे लेकिन ये नहीं पता चल रहा था कि आपने बहुत ज़्यादा कुछ थोप लिया है। तो इस तरह से मैंने हेड पर, अपनी नोज पर, चीक बोन पर और थोड़ा सा अपनी क्यूपिड बो पर अप्लाई किया था इसको इस तरह से। उसके बाद एट दी एंड हमारी बारी थी लिपस्टिक की,
तो लिपस्टिक के लिए मैंने लिप कॉचर का या लिप ग्लॉस लस्टियस वालों का लिप कॉचर का लिप ग्लॉस यूज किया था एंड आई एम ऑब्सेस्ड ऑफ दिस ग्लॉस. यस यस गाइस, सो दिस इज माय फाइनल लुक एंड आई होप दैट यू लाइक दिस. एंड यस, आई होप कि आपको बहुत 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 अच्छा लगा होगा और आप भी इसको अप्लाई करेंगे अपने लिए. तो जी हाँ, ये था मेरा प्यारा सा फुल फेस ग्लैम लुक और जो है जिसको मैंने क्रिएट किया है आपके सामने. जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ की थी वो मैंने आपको दिखा दी हैं, बट ये सारे 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 ब्रशेज है वो मैंने कलर एक्सप्रेस के यूज़ किए हैं एंड दे आर ऑसम. क्योंकि इनको जब मैंने वीडियो स्टार्ट की तो मैंने आपको बताया कि बहुत अच्छे हैं, बहुत बजट फ्रेंडली हैं, सॉफ्ट हैं काफ़ी, बट मुझे नहीं पता था कि ये कैसे हैं. मैंने इनको यूज़ किया आपके सामने एंड यू कैन सी दिस प्रिटी लुक और इससे कितना अच्छा लुक क्रिएट हुआ है एंड आई एम इन लव विद दिस. तो ये ब्रशेस बड़े प्यारे हैं, तो जो लोग भी चाहते हैं कि उनको प्रोफेशनल ब्रशेस बहुत ही बजट फ्रेंडली मिल जाएं, तो जी हाँ, कलर एक्सप्रेस के ब्रशेस आप ले सकते हैं. और जो लोग जा सकते हैं श्वेब कॉस्मेटिक्स, तो वो श्वेब कॉस्मेटिक जाके विजिट कर लें, क्योंकि श्वेब कॉस्मेटिक पर कलर एक्सप्रेस की तमाम चीज़ों की बहुत अच्छी और बड़ी रेंज है. सो यू कैन एन्जॉय योर कलर एक्सप्रेस प्रोडक्ट्स देयर. और यस, तो जी हाँ, आपको अच्छा लगा होगा ये लुक, तो इस लुक को कीजिए लाइक और शेयर कीजिए दूसरों के साथ ताकि वो भी इसे कॉपी कर सकें और वो इस लुक को क्रिएट कर सकें अपने लिए. और जी हाँ, मुझे फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पे और मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए. और जी हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए. सो यस, टिल माई नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय.